नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं शुभकर्ण सहायक आचार्य EFM। आज हम BCom पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकंड का अध्ययन करने से पहले, पूर्व के व्याख्यान में हमने इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत बैंक क्या है, बैंक के कार्यों का वर्णन किया, उनको वीडियो के माध्यम से आपको डिलीवर किया, और आधुनिक बैंक के जो कार्य हैं उनका विस्तृत तरीके से अध्ययन किया था। अगले वीडियो में हमने अध्ययन किया था एक विकासशील अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका है या बैंकों का क्या इम्पोर्टेंस है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था में इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत यूनिट संख्या प्रथम में अध्ययन करेंगे वाणिज्यिक बैंकों के बारे में। कॉमर्शियल बैंक कौन कौन से हैं, वाणिज्यिक बैंक कौन कौन से। वाणिज्यिक बैंकों में अपन अध्ययन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण वाणिज्यिक बैंकों के प्रकार। टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक। जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके प्रतियोगी परीक्षा में लगभग इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपके विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में भी कई बार वाणिज्य बैंकों के बारे में क्वेश्चन अधिकतर पूछ लेते हैं कि वाणिज्य बैंक क्या है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, सभी बैंकों पर नियमन एवं नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम एक्ट 1934 में बना, जो 1 अप्रैल 1935 में संपूर्ण भारत में क्रियाशील हुआ। RBI द्वारा दिशा निर्देश वाणिज्यिक बैंक पर लागू होते हैं, जो वाणिज्यिक बैंक के प्रकारों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, जो कि इस तालिका के माध्यम से आपको बताएंगे। टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक के प्रकार। प्रथम है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं वो हैं। दूसरा, निजी क्षेत्र के बैंक। तीसरा बाटा है विदेशी बैंक, और चौथा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इस प्रकार वाणिज्यिक बैंकों के प्रकारों में चार प्रकार के बैंक हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इन बैंकों पर नियमन नियंत्रण RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, जो कि उसके दिशा निर्देशानुसार ये बैंक कार्य करते हैं। अब हम बात करें सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मुख्यतया इस प्रकार से हैं, जो कि इनको भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीयकृत बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंक कौन कौन से हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक क्या हैं। दूसरा, स्टेट बैंक। तीसरा, अन्य बैंक सम्मिलित हैं। जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियमन नियंत्रण करते हैं। अब इस बैंकों को पढ़ने से पहले अपन पहले तो कॉमर्शियल बैंक के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉमर्शियल बैंक वे बैंक होते हैं जो आरबीआई के दिशा निर्देशानुसार वो कार्य करते हैं, उन पे नियमन नियंत्रण आरबीआई करती है, वो कॉमर्शियल बैंक होते हैं। कॉमर्शियल बैंक एक तरह से आरबीआई की शेड्यूल अनुसूची में सम्मिलित बैंक कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जो कि शेड्यूल और अनशेड्यूल असंगठित क्षेत्र के बैंक, संगठित क्षेत्र के बैंक भी इसमें सम्मिलित हैं। अब हम इसी प्रकारों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की बात करें तो राष्ट्रीयकृत बैंक की बात आती है। तो राष्ट्रीयकृत बैंक क्या है, क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण मुख्यतया होने से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण या आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1948 में हुआ। उसके बाद में 1955 में इंपीरियल बैंक बना। इंपीरियल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। मतलब कहने का मतलब यह है, इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक का पहला नाम क्या था, इंपीरियल बैंक था। इंपीरियल बैंक 1959 में बना। इसी प्रकार स्टेट बैंक की स्थापना भी 1 अप्रैल 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई। ये भी एक कंपटीशन का प्रश्न पूछते हैं, कई बार पूछते हैं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1948 में। स्टेट बैंक का पूरा नाम क्या था, इंपीरियल बैंक था। तो इंपीरियल बैंक जब बना 1955 में, तो 1 अप्रैल 1955 में स्टेट बैंक की स्थापना भी ये माना गया है। उसके बाद में राष्ट्रीयकृत बैंकों की हम बात करें तो सर्वप्रथम 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 बड़े बैंकों का क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसमें विभिन्न बैंक सम्मिलित हैं। उसके बाद में 1980 के अंदर 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो 2020 में एक जुड़ गया, 21 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जो कि 1 अप्रैल 1955 मैंने जैसे आपको बताया, इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी हो गई थी। तो ये टोटल राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए अपने, जिसमें ये प्रश्न भी पूछते हैं कई बार एग्जाम में कि 14 बड़े राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थापना, मतलब 14 बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनकी उनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछते हैं 1969 के अंतर्गत। और 1980 में 6 बड़े राष्ट्रीयकृत बैंकों की भी स्थापना हुई। तो ये तो आगे इसकी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। निजी क्षेत्र के बैंक क्या होते हैं, निजी क्षेत्र के बैंक वो होते हैं जो एक निजी उद्यमी के द्वारा क्रियान्वित होते हैं, जिसमें जिसका ओनर निजी, उस पर नियमन नियंत्रण कंट्रोल आरबीआई करता है। तीसरी बैंक की हम बात करें, विदेशी बैंक। विदेशी बैंकों को भी दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है पुराने विदेशी बैंक, और दूसरा नए विदेशी बैंक। विदेशी बैंक क्या है, विदेशी बैंक वह बैंक है जिसका नियमन नियंत्रण कहां पर होता है, विदेश में होता है। इसका कंट्रोल कहां पर होता है, विदेश में होता है, वे विदेशी बैंक कहलाते हैं। विदेशी बैंक मुख्यतया अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें एचबी बैंक और भी विभिन्न प्रकार के बैंक हैं, जो कि आप अपने बुक्स में पूरे बैंकों का वर्णन, इसमें बैंकों की सूची दे रखी है, उसमें आप देखना। चौथे बैंकों के, वाणिज्य बैंकों के प्रकार में बात करें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पे नियमन नियंत्रण आरबीआई करता है। मुख्यतया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1975 को। ये भी कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई बच्चों, तो 26 सितंबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुख्यतया जो भी ग्रामीण परिवेश हैं उनमें वित्त उपलब्ध करवाते हैं, उन पर नियमन नियंत्रण करते हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में मुख्यतया भूमिका नाबार्ड की बहुत अच्छी भूमिका रही, जो कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की
स्थापना हुई। नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक है जिसपे नियमन नियंत्रण RBI का रहता है। RBI उस पर दिशा निर्देशानुसार वो कार्य करती हैं, जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अंदर ये सम्मिलित हैं। ये बैंक ग्रामीण परिवेश में जो भी किसी भी चीज़ का विकास करवाना है तो नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे ये दीर्घकालीन लोन उपलब्ध करवाते हैं, सड़क कार्यों के निर्माण में और भी विभिन्न कार्यों में नाबार्ड की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। फिर इसी प्रकार उसमें 1983 में इसमें संशोधन भी किया गया, जो कि एक नाबार्ड बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसका चैप्टर भी हम अलग से पढ़ेंगे इसी यूनिट में, जो आपको इसको विस्तृत रूप से अध्ययन भी हम करवाएंगे। तो इस प्रकार ये वाणिज्यिक बैंकों की एक रूपरेखा है, वाणिज्यिक बैंकों का किस प्रकार से क्रियान्वयन किया, ये प्रकार हैं। इस प्रकार ये वाणिज्यिक बैंकों के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी सम्मिलित हैं। निजी क्षेत्र के बैंक मुख्यतया निजी उद्यमी या निजी व्यक्तियों के द्वारा इस पर नियमन नियंत्रण होता है, और विदेशी बैंक वे बैंक हैं जो कि विदेशी या इसका नियमन नियंत्रण बाहर या विदेश में इसका कंट्रोल होता है, वो निजी क्षेत्र के होते हैं। विदेशी बैंक दो प्रकार के हैं, पुराने और नए। चौथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में नाबार्ड सम्मिलित है, जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 26 सितंबर 1975 को इसकी स्थापना भी की गई। इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी मुख्यतया एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। तो वाणिज्यिक बैंकों के प्रकारों में महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रकार है। ये अपने इनके प्रकारों को हमने संक्षेप में भी अध्ययन किया और इनको हमें पहचाना। आगे हम इसी प्रकार इसी क्रम में वाणिज्यिक बैंक की हम शेड्यूल की बात करें, तो शेड्यूल की हम बात करें जो है, शेड्यूल को भी दो भागों में क्रियान्वित किया गया है, जो कि RBI के अनुसूची में जो सम्मिलित बैंक होते हैं वो शेड्यूल हैं, जो सम्मिलित नहीं हैं वह अनशेड्यूल बैंक कहलाते हैं, जो कि महत्वपूर्ण रूप से RBI के दिशा निर्देशानुसार भी ये कार्य करते हैं। तो अपने देश के अंतर्गत अपने मतलब कॉमर्शियल बैंक हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, जो कि पूरे देश को संचालित एवं उसकी अर्थव्यवस्था में विकासशील या प्रयत्नशील विकासरत भूमिका में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कॉमर्शियल बैंक पूरे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के इनके महत्व के बारे में हमने पढ़ा भी था कि बैंकों की क्या इंपॉर्टेंस है, जिसमें बचतों को प्रोत्साहन, पूंजी को प्रोत्साहन हैं और भी विभिन्न प्रकार के डेवलपिंग करवानी है, विभिन्न प्रकार के लोन उपलब्ध करवाने हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों का निर्वहन करवाना है, तो हमें बैंकों का सहारा लेना पड़ता है। बैंक हमें अच्छी वित्तीय स्थिति उपलब्ध करवाते हैं, जो कि सहायक तरीके से या महत्वपूर्ण तरीके से लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होता है और सहायक भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक मुख्यतः हम देखें तो वाणिज्यिक बैंक एक सहायक भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। तो आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट में आता है, कि भारतीय बैंकिंग की आधुनिक प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, उनको आप ध्यान से देखेंगे। उसकी आधुनिक प्रवृत्तियाँ हैं जो वर्तमान में बैंक क्या क्या कार्य कर, क्या क्या टेक्निक्स आ रही हैं, तो उनका हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। जो 25-30 पॉइंट होंगे उनका हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है यूनिट फर्स्ट में और सेकेंड में अधिकतर उस क्वेश्चन को पूछते हैं कि नवाचार, बैंकों के नवाचार कौन से हैं, बैंकों की प्रवृत्ति कौन सी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे आधुनिक बैंकों की प्रवृत्ति। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।